नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा SBI PAPL लोन के बारे में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन, जो कि आजकल आपने काफ़ी सुनने में मिला होगा, इसके बारे में मैं डिटेल में बताता हूँ। देखिए, ये एक तरह का पर्सनल लोन है। नॉर्मली आपको पर्सनल लोन ब्रांच में जाके मिलता है। यह पर्सनल लोन आप अपने योनो ऐप के माध्यम से ले सकते हैं। इंस्टेंट तुरंत आपका सेविंग अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। किसी तरह का आपको कहीं पर भी कुछ वो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह नहीं देना होता। पेपरलेस वर्क है, योनो ऐप के माध्यम से मिलता है, बिल्कुल पेपरलेस। कहीं कोई पेपर सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, ब्रांच जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, घर बैठे ही आपको ये लोन मिलेगा। इसकी एलिजिबिलिटी कोई क्राइटेरिया नहीं है कि किस किस को मिलेगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से जो कुछ भी जिनका सिविल स्कोर अच्छा होता है, नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स अच्छे होते हैं अकाउंट में, उन लोगों को ये वाला लोन ऑफर किया जाता है। लोन अमाउंट 25,000 से लेके 8,00,000 तक के बीच में हो सकता है। मतलब इसकी रेंज में जो भी आपकी सैलरी आ रही होगी, सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके बताएगा कि कितने तक का लोन आपको मिल सकता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% से 12% तक वेरी हो सकती है, क्योंकि PAPL लोन काफ़ी तरह के होते हैं, तो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा वाला PAPL लोन मिला हुआ है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको PAPL SBI ने ऑफर किया है या नहीं किया, इसके लिए सिंपल आप SMS कर सकते हैं अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से PAPL स्पेस और अपने अकाउंट नंबर की लास्ट की 4 डिजिट 567676 पर आप कर सकते हैं। अगर आप SMS नहीं कर पा रहे हैं या कोई दिक्कत आ रही है, तो आप योनो ऐप को ओपन करेंगे तो योनो ऐप पर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन अगर आप SMS करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का एक मैसेज आ जाता है कि आप कितने लोन के लिए एलिजिबल हैं। योनो ऐप पर आपको पहले पेज पर ही आपको मैसेज दिख जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको अगर PAPL का लोन का ऑफर हुआ होगा तो आप ज़रूर उसको अवेल करेंगे। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने WhatsApp ग्रुप पे शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें। थैंक यू फ्रेंड।